और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पुलवामा के त्राल में बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राकेश पंडिता पड़ोस के घर में गए हुए थे जब आतंकियों ने उन्हें निशाना बना दिया। आतंकी घर के अंदर घुस आए और बीजेपी नेता पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की चपेट में एक युवती भी आई है। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर ने बीजेपी नेता को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमला करने वाले आतंकियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। खालिद, क्या कुछ पूरी जानकारी, अपडेट बताइए। देखिए, इसमें केस दर्ज करके जो है मामला उस पर छानबीन शुरू कर दी गई है। दरअसल बीती रात त्राल इलाका जो ताल थी, जहाँ से कौंसलर थे राकेश पंडिता, वो अपने एक मित्र के घर गए थे और वहां पर ही अज्ञात जो मिलिटेंट्स है उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि 3 मिलिटेंट्स थे जिन्होंने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, और इस फायरिंग में उस घर की एक महिला भी आई है, और लेकिन दोनों को हॉस्पिटल तुरंत शिफ्ट किया गया था। राकेश पंडिता जो है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया और जो महिला है उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद से ही बीती रात ही पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। देर रात तक ये ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन जो मिलिटेंट्स थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस के मुताबिक फरार हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी त्रास के पूरे इलाके में जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर चेक पॉइंट लगा दिए गए हैं और तलाशी अभियान इन जगहों पर चल रहा है। पुलिस ने बताया है। बिल्कुल खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे, खून का बदला हम खून से लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अलीगढ़ में टप्पल के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन पर AIMIM का भड़काऊ बयान सामने आया है। AIMIM यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने कहा है कि नूरपुर में मुसलमान नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन वहां से हिंदुओं की बारात गुजरने नहीं देंगे। बिना परमिशन बारात को वहां से जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे जितना ईंट पत्थर या गोली लेकर आ जाएं, वो बारात को गुजरने नहीं देंगे। किस तरीके से यहां पर AIMIM धमकी अब साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहा है। यूपी में ओवैसी की नफरत वाली आग। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं करने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब। अलीगढ़ के विवाद में ओवैसी का सियासी फसाद। अलीगढ़ के नूरपुर में हिंदुओं के पलायन पर जी हिंदुस्तान ने खबर दिखाई। खौफजदा हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा मिला है, लेकिन मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले गिद्धों को सियासत करने का नया ठिकाना भी मिल गया है। इसकी ताजा मिसाल है ओवैसी भाईजान की पार्टी के नेता नजीम अली, जो खुलेआम प्रशासन को हिंदुओं को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब। ईंट पत्थर गोली की धमकी देने वाले नजीम अली ने नफरत की आग भड़काने का काम किया है। इस मामले में टप्पल थाने के गांव नूरपुर पहुंची अलीगढ़ की पूर्व मेयर और बीजेपी नेता शकुंतला भारती ने पीड़ित परिवार समेत गांव के हिंदू समाज के लोगों से मुलाकात की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ये उनके पिताजी की सरकार नहीं है, ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है। दिमाग में बैठा ले इस तरीके से कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा या इस तरीके की जो भी हरकतें करेगा, उसके साथ कानून है और कानून के तहत उसे जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। जहां हिंदू परिवार खौफजदा है, जहां हिंदुओं के साथ ज्यादती होती आई है, जहां हिंदुओं को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उस जगह ओवैसी के नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में लगभग 20% मुस्लिम वोटर है,
जो 100 से ज्यादा सीटों पर हार जीत तय कर सकते हैं। ओवैसी की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन उनकी राजनीतिक पिच तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए ओवैसी ने अलीगढ़ से ही अपनी जहरीली राजनीति को लॉन्च करने का मन बनाया है। लेकिन ओवैसी साहब को ये बात जहन में उतार लेनी चाहिए कि वो यूपी की हवा में जितना भी जहर घोलने की कोशिश कर ले, उनको मुंह की ही खानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का पुराना कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ आने की अपील की है। मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए मुस्लिमों को कांग्रेस के साथ आना होगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं के सुझाव को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपा जाएगा। और अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाती हुई नजर आ रही है। अब मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की गई है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़े हो। मुस्लिम तुष्टीकरण का ये पुराना कार्ड जो कि हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी खेलती हुई नजर आई है, एक बार फिर से इसी मसले पर अपनी राजनीति चमकाते हुए। यूपी में मुसलमान बस चुनावी सामान, बंटवारा गैंग का धंधा हिंदू मुस्लिम एजेंडा। यूपी में चुनाव पास आते ही सियासत का मजहबी खेल शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को डराने का दांव चला दिया है, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ में हिंदुओं पर पलायन की तलवार चलाई जा रही है। एक तरफ मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी के नूरपुर गांव में हिंदुओं को गैर मजहबी होने की सजा दी जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का खेल चालू हो चुका है। हो भी क्यों ना, चुनाव में मुसलमानों को वोट बैंक जो बनाना है, इसकी शुरुआत कर दी है देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने, जो हमेशा से खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश में रही है। दरअसल यूपी की बस्ती में उलेमाओं की बैठक में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुसलमानों से कांग्रेस के साथ आने की अपील की। मुसलमानों को रिझाने की कोशिश के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ ज्यादा ही बोल गए और कहा कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी 2 सीटों में सिमट जाएगी। साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुस्लिमों को डराते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा कांग्रेस की ही हाथ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि चुनाव में जब कांग्रेस मजबूत रहती है तो भाजपा के लिए चुनाव को सांप्रदायिक बनाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस हर जिलों में उलेमाओं के साथ इसी तरह वर्चुअल मीटिंग करने वाली है। साथ ही उलेमाओं के सुझाव को प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की इस चाल से साबित हो गया है कि चुनाव आने से पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट करना ही कांग्रेस का सियासी एजेंडा है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ जहर भरना और भड़काना ही कांग्रेस की चाल है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का चोला उड़ा लेती है। कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम उनके लिए बस वोट का सामान है। चुनाव पास आ गए हैं, इसीलिए उन्हें याद आए मुसलमान। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है, एक ऐसा देश जिसके खतरनाक हथियारों और आर्मी कमांडर्स का डंका बजता है, उस इजराइल की सैन्य ताकत में शामिल है हिंदुस्तान की बेटी का दम। इजरायली सेना की कमांडो फाइटर्स भारत की शान, गुजराती सिस्टर्स। दुनिया की बेहद ताकतवर सेना में शुमार इजरायल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF में 2 गुजराती बहनों ने मोर्चा संभाला है, जिन्होंने खुद के साथ भारत का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली 2 बहनें निशा और रिया, इनमें से निशा इजरायली सेना में यूनिट हेड की कमान संभाल रही हैं, तो दूसरी बहन रिया अभी कमांडो ट्रेनिंग ले रही हैं। रिया को ट्रेनिंग पूरा किए जाने के बाद अस्थाई कमांड दिया जाएगा। एक दीकरी ना फादर ने पिता तरीके हूँ खूब गौरव अनुभव कि मारी दीकरी छेला 2 वर्ष थी इजरायल आर्मी में सर्विस आपे ने इजरायल आर्मी जोड़े जोड़ायल से। मारी एक बीजी भत्रीजी के जे हमणा इजरायल आर्मी
માં ટ્રેનિંગમાં ટ્રેનિંગની અંદર છે ને જોઈન્ટ કરેલ છે એમને પણ ટ્રેનિંગ પૂરી થયા પછી એને અનુકૂળ ઇઝરાયલ આર્મી ડિસાઈડ કરીએ। दरअसल ये बड़े गर्व की बात इसलिए है क्योंकि दुश्मनों से मोर्चा लेने का बड़ा हौसला और बड़ा संकल्प लेने वाले ही इजराइल की सेना में कमांडो बन पाते हैं और भारत की बेटी निशा ने अपनी जाबाजी से इसे हासिल कर दिखाया है। जबकि निशा और रिया का अपने परिवार के साथ आउटिंग का ये वीडियो देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये दोनों बहनें दुनिया की उस ताकतवर सेना का हिस्सा हो सकती हैं, जिनसे सूरमा बने बड़े बड़े कई शक्तिशाली मुल्क भी खौफ खाते हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फॉरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।